अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और साथ में बात करने वाले हैं टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। और याद रखो, ये जो कॉइन्स मैं शेयर करूंगा वो बेसिकली आपका रहने वाले है बेसिकली फैप्स या मार्च, ठीक है। फैप से लेकर मार्च तक आप इसमें एंट्री कभी भी बना सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस रहेंगे वो वीडियो के दौरान आपको मैं बताने वाला हूँ। मेनली सबसे पहले तो बिटकॉइन के चार्ट एनालिसिस की बात करेंगे कि भाई बिटकॉइन इतना ज्यादा पंप क्यों कर रहा है, मार्केट में से क्या चीजें हुई है जिस वजह से बिटकॉइन इतना लगातार पंप कर रहे हैं। सेकंड चीज गाइस, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पर बेसिकली फ्री सिग्नल्स लगातार शेयर होते हैं, ओके। अगर आप फ्री में सिग्नल्स को प्रॉफिट गेन करना चाहते हो तो आपको लिंक जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसी लिंक्स के जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि ऑलरेडी हम बुल रन में है और मार्केट के अंदर हमेशा मौके मिलते हैं, तो हमेशा आपको अल्टकॉइन के रिगार्डिंग जितने भी सिग्नल्स रहेंगे वो टेलीग्राम में पोस्ट किए जाते हैं। तो अगर आपने एग्जिट कर दिया है या अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर तुरंत ज्वाइन करो। और गाइस, इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है कि आप 200 लाइक्स का टारगेट को इजीली कंप्लीट करवा दो। सबसे पहले तो बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिटकॉइन एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था, राइट है, और अभी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्या मार्केट में ऐसी चीज हो रही है जिस वजह से मार्केट करेक्शन नहीं किया है, मेनली उसके ऊपर सबसे पहला बात करेंगे। और करंट सिनेरियो की अगर बात करूं तो ये जो जोन है ना, कौन सा जोन है, तकरीबन 51,754 के करीब का, ये जोन के अबव मार्केट का अगर क्लोजिंग होता है वीक के अंदर तो वो हेल्दी क्लोजिंग माना जाएगा। लेकिन नॉर्मली पर्सनली मैं एक जो एक्सपेक्टेशन अभी लेकर चल रहा हूँ करंट टाइम के अंदर, वो ये है कि अगर मार्केट 52,700 52,600 के आसपास क्लोज होता है तो जो अगला वीक है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो भी इजिली आपको 58-59 के करीब क्लोजिंग देखने को मिल जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि देखिए अभी के वक्त के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से रोल कर रहा है। मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में शेयर भी कर चुका हूँ कि अभी तक मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स की या रिटेल्स की अभी तक एंट्री नहीं हुई है। जब एक्चुअल में रिटेल्स एंट्री लेंगे तो मार्केट के अंदर रियल मैनिपुलेशन गेम स्टार्ट होगा। टिल नाउ की बात करूं तो मार्केट में कोई खास रिटेल एंट्री अभी तक नहीं बढ़ी है, क्योंकि एक्चुअल रिटेल तब मार्केट में आएंगे जब मेन स्ट्रीम के ऊपर लगातार क्रिप्टो करेंसी को लेकर, स्पेशली बिटकॉइन के प्राइस को लेकर डिस्कस किया जाएगा। मेरे को आज भी याद है जब पिछले बुलरन में जब हमने एग्जैक्टली $20,000 के अबव क्रॉस किया था, हर कोई बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा था, हर कोई इंटरेस्टेड था बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए, हर कोई बिटकॉइन में उस टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी था। तो वही सिनेरियो मेरे ख्याल से अभी बन सकता है जब मार्केट अपना पिछला ऑल टाइम हाई के अबव जाएगा, जो कि तकरीबन $69,000 के करीब का है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी काफी ज्यादा एग्रेसिव है। एक बात याद रखो, करंट जो वीकली क्लोजिंग है, करंट जो वीकली क्लोजिंग है वो बेसिकली एटलीस्ट आपका होना चाहिए 52,600 के आसपास, तो उसको हेल्दी क्लोजिंग माना जाएगा। देखिए ग्लोबली बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है, तो करंटली हो ये रहा है कि जो मेजर कंट्रीज है वहां पर रिसेशन बेसिकली स्टार्ट हुआ है, जैसे कि जापान, यूनाइटेड स्टेट, उसके अलावा और भी कंट्री है, पेरू है, आयरलैंड है, फिनलैंड है, और भी डेनमार्क वगैरह वगैरह। मेन चीज यहाँ पर बताने की ये है कि जैसे ही रिसेशन स्टार्ट हुआ है जापान के अंदर, तो जापानीज येन और जो बिटकॉइन की करेंसी है, यानी जापानीज येन बिटकॉइन की जो करेंसी है, वहां पर बिटकॉइन अभी के वक्त के अंदर ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है उनके कंट्री की करेंसी के अंदर, राइट। इसका मतलब यहाँ पर यह निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं जापान के अंदर बिटकॉइन का एडॉप्शन एकदम से तेज हो चुका है। उसकी वजह सिंपल सी है, रिसेशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो बिटकॉइन की तरफ मूव कर रहे हैं। वैसे ही उम्मीद है कि जो छोटे मोटे कंट्रीज है वहां पर भी ये चीज हमको देखने को मिल जाए कि वहां पर भी एक तरीके से बिटकॉइन के अंदर लोगों का एक तरीके से रुझाव आना स्टार्ट होगा। और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट अपना पिछले ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, राइट है, वैसे ही मेन स्ट्रीम के ऊपर बिटकॉइन के बारे में बात किया जाएगा, वैसे ही प्रिंट मीडिया के ऊपर बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, और कहीं ना कहीं वो एक मेजर कंसेप्ट स्टार्ट होगा जब एक्चुअल में रिटेल लोगों की एंट्री स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ETF की वजह से हो रहा है, लगातार मार्केट के अंदर ETF के अंदर ह्यूज क्वांटिटी में परचेस किया जा रहा है,
जेबीटीसी का सेलिंग अभी तक के लिए काफी ज्यादा स्लो हो चुका है और लगातार ब्लैक रॉक और फिडेलिटी लगातार बिटकॉइंस को बड़ी क्वांटिटी में ग्रैब कर रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहां पर ये चीज हमको देखने को मिल रही है। और एक एनालिस्ट का तो यहाँ पर ये कहना है कि अगले मतलब अभी की अगर मैं बात करूं तो ये मंथ के एंड तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन अपने पिछले ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर देगा। इन्होंने बेसिकली एक चार्ट शेयर यहाँ पर किया था। ओके, ये चार्ट काफी पुराना है लेकिन चीजें काफी कुछ प्रॉपर वे में जाते हुए देखने को मिल रही है। 22 दिसंबर 2023 का ये चार्ट है जहां पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं बिटकॉइन 2 मंथ ओबीवी जो कि बेसिकली एक न्यू हाई पर जा चुका है। और इनका ये कहना है कि हिस्टोरिकली इट मीन अ न्यू ऑल टाइम हाई वॉज नो मोर देन 2 मंथ्स। ये कब प्रेडिक्ट कर रहे हैं? इन्होंने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली दिसंबर मंथ के अंदर, राइट है, 22 दिसंबर 2023 के अंदर इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि भाई 2 मंथ्स के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई का प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो करंट वे में मार्केट पंप हो रहा है तो शायद क्योंकि दिसंबर में हुआ जनवरी और फरवरी, राइट है, तो एक्सपेक्टेशन ये हम रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फेब के एंड तक ऑल टाइम हाई प्राइस बन जाए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन भी किया है पिछले जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो कहीं पर 10 महीना लगा था ऑल टाइम हाई प्राइस कंप्लीट होने को, कहीं पर जो पिछला वक्त है वहां पर बेसिकली 6 मंथ्स का ड्यूरेशन लगा था। लेकिन यहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 मंथ्स के अंदर ऑल टाइम हाई प्राइस हिट हो सकते। तो अगर काफी फेमस है टेक डेव, कोई छोटा मोटा एनालिस्ट नहीं है, काफी बड़े एनालिस्ट है, काफी ह्यूज क्वांटिटी में गए फॉलोवर्स और काफी बार ये चर्चा में भी रहे हैं। तो काफी हद तक इनके एनालिसिस अभी तक सही गए हैं और अगर हम इनके एनालिसिस के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एट द मंथ ऑफ फरवरी क्लोजिंग के तक हमको बिटकॉइन एटलीस्ट पिछला जो ऑल टाइम प्राइस है वहां तक हमको देखने को मिल सकता है। जो एग्रेसिव मूव अभी तक हो रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो करंटली ये सिनेरियो है बिटकॉइन का, काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छी बात है। अब काफी लोगों का ये भी सवाल है कि सर अल्टकॉइन मूवमेंट कब स्टार्ट होगा? तो भाई अल्टकॉइन के मूवमेंट जरूर स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी पूरा का पूरा वॉल्यूम बिटकॉइन में जा रहा है, देन उसके बाद इथेरियम में जाएगा, देन मिड कैप में जाएगा, देन स्मॉल कैप में उसके बाद जो अदर क्रिप्टो करेंसीज है उसके अंदर बेसिकली पैसा मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इतना समझ लो, आपने जितने भी अल्टकॉइन जब भी बॉटम में परचेज किए हैं उसको शांति से होल्ड करो। हर एक कॉइन का एक वक्त आएगा जिसके बाद वो मार्केट के अंदर एक अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं उन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। याद रखो जो क्रिप्टो करेंसीज में ड्यूरिंग द वीडियो शेयर करने वाला हूँ वीडियो उसके लिए आपको एंड तक देखना होगा क्योंकि बहुत से कंसेप्ट में उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हमारा क्रिप्टो करेंसी है वो है बेसिकली सेल्फ की। ओके, सेल्फ की यूएसडीटी वैल्यू में आपको परचेज करने का मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। काफी अच्छा कंसेप्ट यहां पर बन रहा है और सबसे मजेदार बात यह है कि जो करंट वीक है या आपको जो कैंडल देखने को मिल रही है ये जो करंट वीक है ये काफी हेल्दी वॉल्यूम लेकर अप किया है, राइट है। अभी ऑब्वियसली बात है करंट वीक को क्लोजिंग होने के लिए 2 दिन बाकी है और मैं चाहूंगा कि इस कैंडल के क्लोजिंग तक का हम वेट करें। अगर ये जो करंट वीक की कैंडल है ये एटलीस्ट यहां पर देखो प्राइस आ रहा है आपको, राइट, अभी का कितना प्राइस है 0.007, राइट। अगर ये करंट जो कैंडल है एटलीस्ट अगर ये क्लोज करती है तकरीबन 0.0086 पर या 87 पर तो आप नेक्स्ट वीक में इसमें एंट्री बना लेना, इजीली आप अच्छा खासा हायर जाके प्रॉफिट गियर अप ले सकते हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो जो उसका पिछला ऑल टाइम प्राइस है तकरीबन 300% के करीब का है और जो टेक्निकल फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है वो प्राइस इजीली हिट हो सकता है। लेकिन कंडीशन आपकी इसमें यह है कि ये करंट जोन एटलीस्ट क्लोजिंग होना चाहिए कितने के ऊपर 8687 के आसपास। अब अगर मान के चलो वो क्लोजिंग नहीं होता है तो क्या करें, मतलब उस जोन के ऊपर, तो फिर आप डेली के हिसाब से अब अगर आप चाहो तो एंट्री अपना वहां पर बना सकते हो। देखिए डेली के अंदर करंटली काफी कुछ चेंजेस है डेली के अंदर क्योंकि मार्केट काफी लो जाने का चांस दिख रहा है जो कि 6161 जोन के करीब है। लेकिन वीक की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली मार्केट तकरीबन 6161 सेम वही जोन है। तो मैं चाहूंगा आप क्लोजिंग का एक तो वेट करो कि वीकली क्लोजिंग कहाँ पर होती है और नहीं तो डेली के हिसाब से पुल बैक का वेट करो कि एटलीस्ट मार्केट अपने जोन पे पुल बैक करे तो उस टाइम आप चाहो तो एंट्री इसमें बना सकते हो। क्लोजिंग कैंडल का क्लोज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट है। अगर क्लोजिंग नहीं होती है मान के चलो कि क्लोजिंग बिलो आ जाती है, एटलीस्ट क्लोजिंग अगर 6177 या 6072 के आसपास होती है सपोज,
तो फिर आपको एंट्री नहीं करनी है। ओके, आ रही बात समझ में? तो क्लोजिंग हायर होना जरूरी है, क्लोजिंग अगर बहुत ज्यादा लोअर होती है तो उसमें आपको एंट्री नहीं बनानी है। तो सेकंड क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आपके साथ शेयर करना है वो है बेसिकली कोमोडो, जिसको KMD भी कहा जाता है, KMD USDT पेयर के अंदर आपको इस पे नजर रखना है। सबसे मेन रीजन इसको शेयर करने का इतना ही है कि ये कॉइन पिछले ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 96% का करेक्शन कर चुका है। सेकेंड चीज, यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट 609 दिन हो चुके हैं जहां पर मार्केट एक साइडवे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पर टेक्निकल फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो ये वीक के अंदर का स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पर बेसिकली वेट करना है ब्रेकआउट का और क्लोजिंग का। क्लोजिंग का क्यों वेट करना, देखो पहले भी ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर, लेकिन कैंडल ने इसके अबव क्लोजिंग नहीं किया, पहले भी यहाँ पर ह्यूज पंप हुआ है लेकिन कैंडल ने बिलो क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है कि जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करे और क्लोजिंग आपका ये जो आपका ट्रेंड लाइन है इसके अबव हो। तो अगर आपके ट्रेंड लाइन के अबव क्लोजिंग मिलती है देन ओनली आप इसमें एंट्री लेने का सोचना है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मान के चलो कि क्लोजिंग अबव होती है ट्रेंड लाइन के, तो कम से कम $1.35 से लेकर $3.82 के करीब तक इजीली चला जाएगा, जो कि 300-900% का प्रॉफिट बन सकता है इन मिड टर्म के लिए। ऑब्वियसली बात है एकदम पंप नहीं करेगा मार्केट, लेकिन इन मिड टर्म के अंदर ये पॉसिबिलिटीज है। स्टॉप लॉस देना चाहो तो 0.1780 राइट है, 17 सेंट के करीब का आप चाहो तो स्टॉप लॉस इसमें दे सकते हो। जो अगला हमारा कॉइन है, ये कॉइन मैंने पहले भी शेयर किया था, NKMUSDT। ये कॉइन शेयर करने का सेम वही रीजन है कि मार्केट ने अपने पिछले ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 95% का करेक्शन कर चुका है। सेकेंड चीज, जो बॉटम जहां पर बना था वहां से लेकर टिन लाओ मार्केट ऑलमोस्ट 644 डेज से एक साइडवे ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, या आप ये कह सकते हो कि एक एक्यूमुलेशन फेस यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सेम वैसा ही पैटर्न है जो अभी हमने क्रिप्टो में देखा है, इसमें प्लस ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ है। तो आप अगर चाहो तो इसमें एंट्री ले सकते हो आफ्टर ब्रेकआउट, या वॉल्यूम इन दो कैंडल से अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले वीक के अंदर हमको मार्केट के ब्रेकआउट मिल जाए। और एक चीज याद रखो, ब्रेकआउट कैंडल अब एटलीस्ट इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अबव होना चाहिए, ओके, क्योंकि पहले भी मार्केट में फेक ब्रेकआउट हुए थे राइट। तो फेक ब्रेकआउट के अंदर एंट्री नहीं करना है, पूरे वीक का क्लोजिंग हो जाने दो। अगर वीक का क्लोजिंग 0.15 सेंट के आसपास होता है या 0.14 सेंट के आसपास होता है, देन हम उसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट मानेंगे, देन हम चाहो तो उसमें एंट्री इजिली बनाएंगे। टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो 31 सेंट फर्स्ट टारगेट, 69 सेंट सेकेंड टारगेट, और फाइनल टारगेट आप चाहो तो 1.46 सेंट के करीब दे सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करें तो आफ्टर ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग के बाद अगर स्टॉप लॉस देना है तो 0.0762 के करीब आपका स्टॉप लॉस आप चाहो तो दे सकते हो, ओके। तो अगर क्लोजिंग होती है, ब्रेकआउट अगर क्लोजिंग होती है तो आप उसमें एंट्री बनाओ। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के प्रॉफिट की बात करें तो 800% है, मिनिमम प्रॉफिट की बात करें तो 100% है, और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो 349% के करीब का बन सकता है। याद रखो ये मिड टर्म सिग्नल्स है, काफी लंबा जहां पे भी एक्युमुलेशन होता है, जब एक्चुअल उसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट बड़े तेजी से पंप कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है 600 दिन इसने यहां पर लिया है एक्युमुलेशन के लिए, तो मे बी 1-2 महीना ले सकता है एटलीस्ट सेकंड टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। आ रही है बात समझ में? जो अगला कॉइन हमारे लिस्ट में है वो है बेसिकली डेंट कॉइन। डेंट कॉइन को भी शेयर करने का सिंपल सा वही रीजन है कि मार्केट यहां पे काफी लंबे टाइम से कितना हो गया, ऑलमोस्ट 97% का करेक्शन यहां पर हुआ है ऑल टाइम हाई से। और यहां पर अगर एक्युमुलेशन फेज की बात करें तो 644 डेज से मार्केट यहां पर एक्युमुलेट कर रहा है, और एक मेजर रेजिस्टेंट यहां पर अवेलेबल है राइट है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है। और एक बार मार्केट यहां से अबव क्लोजिंग कर दे राइट, एटलीस्ट मार्केट अगर क्लोजिंग करता है 0.15 के करीब या 1518 के करीब, ओके, तो फिर आप इसमें एंट्री बना सकते हो। देखो जितने भी कॉइन्स मैं बता रहा हूँ वो सभी के सभी नेक्स्ट वीक के लिए कॉइन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले वीक के अंदर अगर बिटकॉइन ऐसे ही मूव करता रहा तो अगले वीक तक उसके अंदर अपसाइड में पंप होगा, और उसके क्लोजिंग का आपको वेट करना है कि वो क्लोजिंग इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव हो। अगर क्लोजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होती है देन आपको बाय करने का सोचना है। अगर क्लोजिंग ऐसी होती है मार्केट पे लग गया
फिर मार्केट नीचे आके क्लोज किया, तो आपको कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। आ रही बात समझ में? तो क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टारगेट 0.00222, सेकेंड 3652, और थर्ड टारगेट आप चाहो तो 0.0073 के आसपास, और जो फाइनल टारगेट है अगर आप देना चाहो तो 0.02 सेंट के आसपास दे सकते हैं। अगर ये क्लोजिंग मार्केट चलो पॉजिटिव में होती है तो मिनिमम जो प्रॉफिट है वो 43% हो जाएगा आपका, और जो ऑल टाइम प्रॉफिट है वो 1300% के करीब बन सकता है, और मैक्स टू मैक्स 374% का प्रॉफिट आप इसमें गेन अप कर सकते हो। देखिए सभी में एक चीज कॉमन है, वो क्या? वो ये कि सभी के ब्रेकआउट और क्लोजिंग का इंतजार करना है। काफी हेल्दी है, काफी कुछ पॉजिटिव है इन सभी कॉइन्स के अंदर, लेकिन जब तक आपका प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होता है, प्रॉपर वे में क्लोजिंग नहीं होता, तब तक आपको एंट्री किसी भी क्रिप्टो में नहीं बनानी है। और जो हमारा फाइनल कॉइन है वो है बेसिकली चेनलिंक। वैसे तो चेनलिंक में हमने ऑलरेडी बॉटम पे एंट्री कर चुके हैं और ऑलमोस्ट अभी के वक्त के अंदर हम 173% प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेकिन जो लोगों ने एंट्री नहीं की है उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट पुल बैक कर सकता है तकरीबन 18.15 सेंट के करीब। तो अगर मार्केट इसको पुल बैक करता है इस जोन के अंदर, तो आप चाहो तो री एंट्री अपना बना सकते हो, और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ चेनलिंक को लेकर आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ये कॉइन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इजिली अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके और भी ज्यादा हायर जा सकता है। अरे बस समझ में? तो दो जोन है, पहला जोन आपको ऑलरेडी 18.15 सेंट है, ये भी अगर टूट जाता है नीचे आता है तो घबराना नहीं है, तो आप चाहो तो फिर 12.77 सेंट के करीब भी परचेज कर सकते हो। जो 12.77 डॉलर का लेवल है वो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड लेवल नहीं है, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि मार्केट में भी इसको टेस्ट करे और यहाँ से रिवर्सल होकर अपसाइड में चले जाए। ओके, तो चेनलिंक पे खासतौर पर नजर, काफी अच्छा कॉइन है, काफी हेल्दी कॉइन है, काफी रिवार्डेबल कॉइन है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा कम है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये ऑल 5 क्रिप्टोस थे जो कि मुझे पर्सनली आपके साथ शेयर करना था, और मुझे उम्मीद है आपने सभी का नाम भी लिखा है, लेवल्स भी ड्रॉ कर दिए होंगे। नेक्स्ट वीक पूरी उम्मीद है कि इनके अंदर एंट्री हमको मिल जाएंगी, और बस एक बार एंट्री मिल जाए तो फिर आपको वॉच करना है अनुअल टाइम के अंदर जो टेक प्रॉफिट मैंने बताया हूँ, इंशाल्लाह वो टेक प्रॉफिट भी इजिली हिट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड चीज गाइस, मैं किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने ही रिस्क और रिसर्च पर करना है। बाकी अगर आपको सिग्नल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ गया है, वहां पर जाकर ज्वाइन करो, वहां पर हम सारे के सारे सिग्नल शेयर करते हैं जिसके अंदर प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर टारगेट और प्रॉपर स्टॉप लॉस दिया जाता है। तो गाइस फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।